महामंत्री महाराज, हमारे चक्रवर्ती सम्राट बनने में सहायक अब केवल दो ही फूलदान शेष हैं। एक तो टूट गया है, परंतु कोई बात नहीं, हमें अपने पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है। हम इस टूटे हुए फूलदान की कमी अपने पराक्रम से पूर्ण कर देंगे। जी महाराज, सत्य वचन महाराज। महामंत्री जी, इन दोनों फूलदानों का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। जी अब वो महाराज, हम तो मछली मछली जी, अर्थात मछली पट्टनम। हमें अति आवश्यक एक राज कार्य के हेतु मछली पट्टनम जाना है। वहाँ सीमा पर बनी चौकियों का निरीक्षण करना है महाराज, और हमारा जाना अनिवार्य है। उचित है महामंत्री जी। महारानी जिन्ना देवी। जी महाराज। आप हमारी बड़ी महारानी हैं। इन दोनों फूलदानों का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। महाराज, हमें नहीं लेना, इन फांसी के फंदे तक पहुंचने वाले फूलदानों का दायित्व। क्या कहा आपने? महाराज, हमने कहा कि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण फूलदान है, जो महामंत्री जी के पास रहे तो अधिक सुरक्षित रहेंगे। परंतु महामंत्री जी तो मछली पट्टनम जा रहे हैं ना? जी जी जी। महाराज, ये फूलदान अत्यंत ही विशेष फूलदान है। महाराज, आपके चक्रवर्ती सम्राट बनने का द्वार है ये फूलदान। महाराज, हमारा सौभाग्य होगा महाराज कि आप बड़ी रानी के साथ साथ इन फूलदानों की सुरक्षा का दायित्व हमें भी सौंपते हैं। उचित है, उचित है महारानी। तो हम इन दोनों फूलदानों का दायित्व आपको और महारानी चिन्ना देवी को देते हैं। हम बच गए। महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे, परंतु आप हमें एक ही फूलदान का दायित्व सौंपिए, दोनों का नहीं। आपके दरबार में और भी सामर्थ्य लोग हैं। गुरुवर। जी महाराज। गुरुवर, हमारी बड़ी महारानी जी का कथन सत्य है। एक फूलदान का दायित्व इनका और दूसरे फूलदान का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। हाँ। फंसा बुद्धा, बहुत बुरा फंसा। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ ना, हमें महाराज, महाराज हम पर तो वैसे ही अत्यधिक दायित्व है। तो एक और सही। गुरुवर, आप तो कितने तत्पर थे तीनों फूलदानों का दायित्व लेने के लिए। आप कह रहे थे कि आप नित्य इनका अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, तो एक का दायित्व आपका हुआ। वो तो हम महाराज क्षमा चाहते हैं। गुरुवर, हम आपको दोनों फूलदानों का दायित्व नहीं दे सकते, केवल एक का देंगे। महाराज, हमें कब तक फूलदान को अपने पास रखना पड़ेगा? क्या कहा गुरु? महाराज, हमें कब तक फूलदान को अपने पास रखना पड़ेगा? जब तक आपका स्वप्न सार्थक नहीं हो जाता है गुरु, जब तक आप माँ गुरु और हम चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन जाते। जी महाराज। सभा समाप्त हुई। महाराज कृष्णदेवराय की जय। 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 महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्बा की जय। कच्चे आम, इमली,
चंदन। अम्मा गर्भावस्था में चंदन भी खाते हैं? खाते नहीं, लेप लगाते हैं, उससे शीतलता बनी रहती है। अच्छा तो अम्मा इतना सारा चंदन टूटेगा कौन? रामा मैं पीसूंगा ना, इन्हीं कार्यों के लिए तो मेरा जन्म हुआ है, क्यों अम्मा? शारदा गर्भवती क्या हुई? सारी मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई। अम्मा कुछ कह रहे हैं? नहीं 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 अम्मा ऐसे 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 नहीं करूं, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। अम्मा और क्या लिखे? घंटी, मैंने कितने दिनों से घंटी नहीं खोली थी, मैंने कुछ घंटी तो गायब भी हो गए और मेरे घंटियों का तंगला भी कम हो गया है। कोई घंटियां नहीं आएंगी, ये सूची केवल शारदा के लिए आवश्यक सामान की है। और क्या लिखे? एक सेर काजू, सवा सेर बादाम, एक सेर सूजी। अम्मा इतना सब कुछ पंजीरी में पड़ता है? वैसे माँ नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पूरे विजयनगर के लिए पंजीरी बना रही हो क्या? नहीं मतलब शारदा इतना सब कैसे खाएगी? मैं भी खाऊंगा, पंजीरी मेरी प्रिय है। चुप कर, ये पंजीरी बहुत प्रिय है किंतु मुझे पंजीरी बनाने नहीं आती। अम्मा मैं पंजीरी नहीं बनाऊंगा। अच्छा मत बनाना, पर ये सामग्री तो लेकर आएगा। हाँ मैं ही तो सारी सामग्रियां लेकर आता हूँ, ये भी ले आऊंगा। अच्छा उपकार कर रहे हैं? नहीं नहीं मैं तो बस यूं ही, लो सूची दो। पहले ये सामग्री लेकर आना, तत्पश्चात दरबार जाना। लामा मैं भी चलता हूँ दिल्ली तक। चल आते हैं। प्रतीत होता है कोतवालन का फिर से कोतवाल जी के साथ विवाद हुआ है। इन्हें शेषाद्री शर्मा की बताई हुई मालिश कर देनी चाहिए तो कोतवाल जी शांत हो जाएंगे। इनका तो नित्य का ही रोना है। हाँ ये लो अम्मा तुम्हारी सामग्री, एक कच्चे आम, ये इमली, ये चंदन, एक सेर काजू, सवा सेर बादाम और ये रही सूजी। देख लो सब ठीक है ना? क्या सही है? मैंने एक सेर सूजी कहा था और तू छटाक भर लेकर आया है। एक सेर बोली थी? बोला नहीं था, लिख कर दिया था। ओ, तब अवश्य ही पंसारी ने नाप तोल में कोई त्रुटि की होगी क्योंकि मैंने तो सामग्री की सूची उसे दे दी थी, उसी ने सूची कम दी है। हम ही दुर्भाग्यशाली है, पंसारी से कोई त्रुटि नहीं हुई है, ये जानबूझकर कम सूची लेकर आए हैं। शारदा कैसी बातें कर रही हो, जब मैं एक सेर काजू और सवा सेर बादाम ला सकता हूँ जो कम से कम मुझे एक स्वर्ण मुद्रा में पड़ा है तो मैं सूजी के लिए कंजूसी क्यों करूंगा? क्या करे काजू और बादाम का, वो तो मैंने सूजी में डालने के लिए मंगवाया था और जो तू छटाक भर लेकर आया है, तूने सोचा होगा ना रहेगा पास और ना बचेगी बांसुरी। हाँ अम्मा इन्होंने सोचा होगा ना रहेगी सूजी और ना बनेगी पंजीरी। देखो ना अम्मा अभी से इन्होंने बचत शुरू कर दी, हमारे लिए ना सही तो होने वाले बच्चे के विषय में तो सोचिए, निर्दय निर्मोही। ये गलत है, ये गलत है, थोड़ी सी सूजी कम क्या ले आया तुम मुझे इतनी सारी बातें सुनाने लगी, बाकी की सारी सामग्रियां तो लाए हो ना, गर्भवती होने का लाभ मत उठाओ। हमारी मदद कीजिए, मेरे कोतवाल को बचा लीजिए, मेरे बालकों के पिता को बचा लीजिए रामा कृष्णा, मदद कीजिए रामा कृष्णा। कोतवालन जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाए, हमारे कोतवाल को, मेरे बालकों के पिता को, मेरे माँ के सिंदूर को, मेरे सुहाग को, हमारे करवा चौथ के स्रोत को मृत्यु डाल दिया। हमारे पिता को चाहिए, हमारे पिता को चाहिए, हमारे पिता को चाहिए, हमारे पिता को चाहिए,
छोटी महारानी जरा संभल कर, हमारे बलिष्ठ हाथों ने इसे उचित प्रकार से पकड़ा हुआ है। महारानी चिन्ना देवी आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। बच गया फूलदान, फूलदान नहीं हमारे प्राण बच गए। छोटी महारानी आप इसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, है ना? आप इसे हाँ उस अलमारी के ऊपर रख देते। नहीं 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 नहीं, अलमारी के ऊपर नहीं। यदि किसी का पाँव लगा और ये फूलदान ऊपर से नीचे गिर के टूट गया तो इसके टूटने का अर्थ समझते हैं आप? मृत्यु दंड। हम एक कार्य करते हैं, इसे अलमारी के ऊपर नहीं अंदर रख देते हैं अपने आभूषणों के साथ, वहाँ ये सुरक्षित रहेगा। हाँ चलिए। नहीं 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 नहीं, नहीं छोटी महारानी नहीं, अगर अलमारी खोली और त्रुटिवश गिर गया तो नहीं, हमें इसे किसी ऐसे स्थान पर रखना होगा जिसका प्रयोग अधिक ना होता हो। हाँ परंतु ऐसा कौन सा स्थान है राजमहल में? है ना आपका पुस्तकालय। हाँ आपने अपनी पाक कला से संबंधित सभी पुस्तकों का संग्रह किया हुआ है, परंतु कदाचित आपने उसमें से एक पुस्तक भी पढ़ी हो तो। महारानी चिन्ना देवी हमें इस विषय में कोई वार्तालाप नहीं करनी है, अब ये फूलदान यही रहेगा हमारे नेत्रों के समक्ष। छोटी महारानी तिरुमलम्बा हमने कहा ना आपसे कि ये फूलदान सुरक्षित स्थान पे ही रखा जाएगा। नहीं ये यही रहेगा हमारे नेत्रों के समक्ष। छोटी महारानी ये मत भूलिए कि महाराज ने इस फूलदान की सुरक्षा का दायित्व हम दोनों को सौंपा है और हमारी राय भी महत्वपूर्ण है। उचित है, तो अब ये फूलदान हम दोनों के नेत्रों के समक्ष रहेगा। हे भगवान, ये बैठे बैठे क्या समस्या मोल ले ली हमने। दिन रात की चाकरी हो गई इस फूलदान की सुरक्षा हमारे लिए। ओ, महान राजगुरु तथाचार्य जी, क्या मूर्खता कर दी आपने। ये गेंद से कौन खेल रहा है? गेंद कहाँ गई? गेंद कहाँ बनी? गेंद कहाँ बनी? यहीं कहीं होगी। अरे मूर्खों क्या कर रहे हैं हैं? गुरुजी हम पिट्ठू फोड़वा खेल रहे हैं गुरुजी, बहुत ही आनंद आ रहा है। चुप। ये कोई क्रीड़ांगण नहीं है जहाँ तुम ये पिट्ठू जो भी ये खेल रहे हो। जाओ जाके गेंद उठाओ, बाहर जाके खेलो और स्मरण रहे यदि दोबारा गेंद भी तराई तो हम तुम्हें कर देंगे। हाँ ये महाराज कृष्णदेव राय की बहुमूल्य चमत्कारी फूलदान है, यदि उस पर गेंद लग गई और वो टूट गया तो हमें मृत्यु दंड मिलने से पहले हम तुम दोनों को स्वर्गवासी बना देंगे। हैं हैं ये कहाँ गए? फूलदान कहाँ गया? और यहीं तो रखा था। अरे धनी मनी, अरे धनी मनी, अरे फूलदान कहाँ गया? फूलदान कहाँ गया? मनी देखना ऐसी गेंद मारूंगा सीधी लत चपल लगेगी। अब मेरी बारी, तेने इसको फूलदान को नहीं हिटा। अरे मूर्खो गुरुजी, हमारे खेल में बाधा क्यों डाल रहे हो? फूलदान रखो ना, मुझे निशाना लगाना है गुरुजी। बुढ़ा अंदर चला गया, नहीं तो आज मैं निशाना लगा देता। गुरुजी ने हमारे कीड़ा में पानी फेर दिया। चमा गुरुजी, चमा चम 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 चम। ये आप हमारे चक्कू लेके कहाँ जा रहे हैं? वापस कीजिए, हमें भिंडी काटनी है। नहीं, आज हम तो कद्दू काटेंगे। आप क्यों कष्ट करते हैं? हम है ना, हम कद्दू काट देते हैं, परंतु कद्दू है कहाँ? ये धनी और मनी दोनों कद्दू हैं, गोबर भरा इनके मस्तिष्क में, और आज हम भिंडी नहीं इनकी उंगलियां काट कर खाएंगे। नहीं गुरुजी, नहीं ईश्वर, आप मांसाहार करेंगे? हाँ, नरभक्षी बन जाएंगे हम।
आज इनकी उंगलियां काटकर समस्या के मूल को समाप्त कर देंगे। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा, आज हम कोई खेल नहीं खेलेंगे। महारानी चिन्ना देवी, महाराज आपको बुला रहे हैं। कान है हमारे, हमने भी सुना, तो प्रस्थान कीजिए। हम आपके सामने ये फूलदान छोड़कर नहीं जा सकते। क्या तात्पर्य है आपका? यही कि आप जाइए, कदाचित महाराज भूखे होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, उनके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। जाइए प्रस्थान कीजिए। उचित है। क्या हुआ, आप गए क्यों नहीं? हम क्यों जाएं? महाराज ने आपको बुलाया है, आप जाइए। महारानी तिरुमलम्बा, इस बार आपको बुलाया है। हमने भी सुना, हमारे भी कान हैं, वो भी दो दो, परंतु फिर भी हम नहीं जाएंगे। हम भी यहाँ बैठकर इस फूलदान की सुरक्षा करेंगे। हाँ, सेवक, अधिक चिंता के पश्चात हमें भूख लगने लग जाती है, खाने को कुछ है क्या? और बालकों ने भी दोपहर के बाद कुछ खाया नहीं है। अवश्य हम अभी लेकर आते हैं। क्या रामा, कोतवालन और बच्चों को मेदू वड़ा परोसते। एक दो तीन चार। क्या कर रहे, खड़ा क्यों है, जाता क्यों नहीं? गिन रहा हूँ अम्मा, बाहर से आलू पूरी ले आऊंगा ना, मेदू वड़े समाप्त हो गए हैं। जाके दाल पीस, बच्चों को मेदू वड़ा खाना है तो मेदू वड़ा ही खाएंगे। तो वैसे ही शारदा की गर्भावस्था मेरे लिए समस्या बन गई थी, ऊपर से कोतवालन के इतने सारे बच्चे भी घर आ गए। क्या दृश्य है, महाराज कृष्णदेव राय का विशेष सलाहकार रसोई में दाल कूट रहा है। बहुत अच्छे रामा। चुप कर, तू मेरा मित्र है ना, तो एक काम कर, शांत रह और मुझे और पीड़ा मत पहुंचा। तू मात्र दाल पीस, मैं आकर मेदू वड़ा बना दूंगी। और दाल पीसू? हाँ। इस कोतवाल को शीघ्र ही समस्या से बाहर निकलना होगा। ओहो। हाँ रामा, अन्यथा कोतवाल को मृत्यु दंड प्राप्त होने से पूर्व तो दाल कूट कूट कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हाँ। कितना समय लगेगा, बच्चों की भूख से बुरी स्थिति हो रही है। बस हो गया, ला रहा हूँ ला रहा हूँ। अरे शांति से कर रामा, मैं विश्राम नहीं कर पा रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.